हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो आज की थोड़ी वीडियो पहले के मामूल से हटकर, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पे थोड़ी सी पौधों वगैरह की कलेक्शन कैटेगरी दें तो आपके साथ वो शेयर करते हैं। लेकिन जिसके पास ये कैटेगरी और कलेक्शन है उसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं मलिक बिलावल शेर साहब, एक दोस्त, एक भाई, मतलब आपके एक साथी। अच्छा, तो इसके पास काफ़ी सारी कलेक्शन थी पौधों की, तो सोचा मैंने आज की वीडियो इस पर बनाई जाए और आप लोगों से शेयर की जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ ये जिसके पास है वो आपको बताता जाएगा जो जो कलेक्शन है पौधों की। तो मलिक बिलावल साहब शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ गुलचीन का पौधा है, ठीक है। ये फ्लावर्स वाला पौधा है, परमानेंट प्लांट है, सीजनल प्लांट नहीं है, ठीक हो गया। इसके ऊपर वाइट कलर के और खुशबूदार फूल लगते हैं, ठीक हो गया। ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता, कम पानी में ज़िंदा रह सकता है। ये इंडोर भी है, आउटडोर भी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे नहीं, इसके फ़ायदे भी बताए ना, फ़ायदे क्या है इसके उगाने के? फ़ायदे ये फ्लावर्स है। अच्छा, फ्लावर जो मतलब ये खुशबू वगैरह के लिए और डेकोरेशन के लिए, फ्रेगनेंस प्लांट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है आपके पास गुल मोहर की एक वैरायटी है। अच्छा, गुल मोहर नहीं है लेकिन गुल मोहर की एक किस्म है। अच्छा, ठीक है। ये भी परमानेंट प्लांट है, इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स लगते हैं, मतलब ये भी डेकोरेशन कैटेगरी में आती है। डेकोरेशन, हाँ डेकोरेशन, ठीक हो गया। के लिए होता है खूबसूरती के लिए, ठीक हो। मतलब घर वगैरह में उगाते हैं आप फ्लावर जब उगते हैं तो अच्छा, डेकोरेशन अगर चाहते हैं कि घर में तो ये बेस्ट हो गया, ठीक हो गया। गुल मोहर का ओरिजिनल प्लांट होता है वो थोड़ा इसे हटके होता है, उस पर सारे गुच्छे टाइप होते हैं। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अकेला अकेला फूल होता है, ठीक हो गया, इसलिए मुख्तलिफ है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है जी, ये स्नैक प्लांट होता है। स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट, इसको इंग्लिश में, उर्दू में समझने सांस की जबान भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी। अगर आप इसको किसी कमरे में रखेंगे वहाँ पर जितने भी केमिकल्स और ये जो नुकसानदेह केमिकल मौजूद होते हैं हवा में तो वो इसको जज्ब कर लेता है, ठीक है। और एरेशन का सिस्टम जो है ना वो क्लियर कर देता है आपका। ये इसका ये इंडोर भी है, आउटडोर भी है, ये भी कम पानी जो है इस्तेमाल करता है। और ये भी आई थिंक डेकोरेशन के लिए यूज हो सकता है। बिल्कुल, ये अंदर आप रखेंगे किसी पॉट में लगा के तो ये डेकोरेशन के लिए भी अच्छा लगता है और इसके बेनिफिट भी ये हैं कि जो है ना रूम की एरेशन क्लियर कर देता है, ठीक हो गया। मतलब अगर रूम में कोई घुटन वगैरह हो रही हो तो ये एकदम ऑक्सीजन वगैरह हो जा करते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन भी और जितने भी नुकसानदेह जरात केमिकल्स होते हैं उनको जज्ब कर लेता है, इसमें ये सलाहियत है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक ट्री प्लांट है, समझ लें ट्री है, तो ये भी खूबसूरती के लिए है, परमानेंट प्लांट है, डेकोरेशन के लिए। हाँ, इसका कोई सदाबहार होगी किस्म की, सदाबहार है, परमानेंट। गर्मी में भी चलती है, सर्दियों में मौसम, परमानेंट प्लांट है, बस ये मौसम इफेक्ट नहीं करता इसको। ये एक डेकोरेटिव, ये भी स्नैक प्लांट की एक किस्म है, ठीक है ना, ये भी बस खूबसूरती के लिए है। इसकी कैटेगरी चेंज होगी, हाँ, ये स्नैक प्लांट की एक और किस्म है। इसके पास हमारे पास है जी ये ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, कहवा हो गया, ठीक हो गया। ये सब्ज कहवा है, ये धूप ज्यादा पसंद करता है और जो है ना जितना धूप में लगा हो उतना ज्यादा ग्रोथ करता है ये। और सबको पता है कि ये ग्रीन टी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पेट बड़ा हुआ है तो पेट कम करने के लिए, तो इसके वजन कम करने के लिए, मतलब जिसका वजन अगर ज्यादा है तो ये इस्तेमाल कर उसके बाद। नेचुरल है, मतलब इसमें कोई केमिकल या कोई किस्म की खाद वगैरह नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी सिट्रस की एक फैमिली से सीडलेस सिट्रस लेमन, मतलब जिसका बीज वगैरह नहीं होता, नहीं इसमें बीज नहीं होता और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है और ये सदाबहार होता है, मतलब साल में ये दो मरतबा फल उठाता है। इस वक्त तो फल इसका जो है ना उतार लिया गया है, इस वक्त आप फल का मौसम कौन सा होता है, मतलब आई थिंक फरवरी वगैरह में, फरवरी में शुरू करते हैं, शुरू करता है, लेकिन ये इस मौसम में बिल्कुल जुलाई अगस्त जून जुलाई में जो है ना इसको ठीक ठाक फल लगा होता है, तो ये उतार लिया गया है। उसके बाद जी हमारे पास है ये तो अनार का पौधा है ना जी, ये अनार है, अनार की ये है जी कंधारी अनार की, कंधारी अनार, ठीक है ना। इस साल रेड वाले होते हैं जो, जी बिल्कुल रेड वाले, इसने जो फल उठाया था वो मेरे ख्याल में लहरी खा गई है सारा, तो इस टाइम मेरे ख्याल में एक ही इसके ऊपर फल मौजूद है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये भी इसको गुलारी खा गई, गुलारी खा गई है, लेकिन ये वाला जो है ना ये फल फल है, ठीक है ना, ये फल लगा हुआ है।
इसके बाद जी हमारे पास एक अंगूर की बेल थी जो मैंने लगाई थी, लेकिन अभी वो जो है ना ग्रोथ ठीक ठाक कर रही है, लेकिन ये अभी इसको 6 महीने हुए हैं तो इसलिए इसने फल नहीं उठाया। ये जब मैच्योर होगी तो फल उठाएगी जी। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ये एक सिट्रस फैमिली से है, जिसको हम अपनी ज़बान में जी मिठड़ी, या इसका फ़ायदा ये होता है ये जब मलेरिया हो जाता है ना तब उसमें जब ये इसके खाने से फ़ायदा बहुत होता मतलब है। अगर किसी को बुखार या मलेरिया हाँ है तो इसमें मेरे ख्याल में वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक किस्म का दवा खुदा ने रखा है इसमें, मेडिसिन है, मेडिसिन किस्म की, मेडिकल में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, यूज़ कर सकते हैं जब मलेरिया होता है ख़ास तौर उस वक्त जो है ना इस्तेमाल के लिए। उसके बाद ये हमारे पास फ्रूटर है, फ्रूटर का प्लांट है, इसने काफ़ी फल उठाया हुआ था, इसमें भी अभी भी फल है, अभी भी फल है, इसको अभी देर है 1 महीना 15 दिन अभी देर है, ठीक है ना। ये अच्छे से जो है ना ये सिट्रस फैमिली से है फ्रूटर, ठीक हो गया। और उसके बाद जी हमारे पास ये अनार है, ये अलीपुर अनार भी कहते हैं इसको, सदाबहार भी कहते हैं, ये सारा साल एक फल उठाएगा दूसरा उठाएगा, मतलब रुकता नहीं एक किस्म का देसी कह लें, जो देसी वगैरह होते हैं, देसी है, अच्छा है, लेकिन फ्लेवर भी अच्छा है, कैटेगरी अच्छी है, हाँ कैटेगरी अच्छा है सारा साल, अच्छा। इसको भी गुलहरी ने ठीक ठाक। और ये चीज़ ये वाली ये एक ही है अनार, ये जैसे उसकी जो है ना शाखें निकल रही हैं। उसके पास हमारे पास ये एक और भी है, ये भी स्नैक प्लांट की एक किस्म है, ठीक है, ये भी मैंने लगाई थी, छोटा सा पौधा था मैंने लगा दिया था, लेकिन अभी माशाल्लाह ये बड़ा हो गया, तो ये भी स्नैक प्लांट की एक किस्म है, जैसे एलोवेरा टाइप स्नैक प्लांट उस तरह के। उसके बाद ये भी हमारे पास स्नैक प्लांट की एक किस्म है, ये एक परमानेंट प्लांट है, और ये भी जो है ना एरेशन का सिस्टम जो है ना ठीक करता है, उसमें केमिकल जो भी है, और ये चीज़ इनडोर भी है आउटडोर भी है, ये जी आर्ट इसके लिए के लिए डेकोरेशन में आ जाते हैं ये भी। हाँ इसको जो है ना हमारी माशाल्लाह बकरियाँ आई हैं खा गई हैं 3-4 दफ़ा, तो अभी दोबारा ये ग्रोथ कर रहे हैं, एक ये है और एक दूसरा ये है। उसके बाद हमारे पास ये फ्लावर प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट है, सदाबहार इसको कहते हैं, इसमें ये फूल लगे हुए हैं और इसमें कलर है, येलो है, रेड है, ब्लू है, पर्पल है, और काफ़ी खूबसूरत कलर होते हैं इसमें जो है ना, जब आपको ये जब फूल मुकम्मल उठाएगा तो इसके कलर चेंज भी होते हैं, मतलब एक टाइम कुछ हल्का कलर होगा फिर उसके बाद जो है ना डार्क हो जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत कलर है, ठीक है, ये भी है और येलो भी है। ये साथ ये सारे पौधे तकरीबन जो लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए या फ्लावर वाले, और इससे आगे भी तो है जी बिल्कुल। इसके बाद है हमारे पास शतरूप का प्लांट जो कि पानी ने कमी की वजह से इस वक्त इस हालत में हुआ है, लेकिन अभी तो ग्रीन और इसने फल भी काफ़ी उठाया हुआ, अभी तो बारिशें हो रही है ना, फिर ये ठीक हो जाएगा, दोबारा ठीक हो जाएगा, अभी जो फल भी इसका ख़त्म हो गया, पहले मतलब गर्मियों में फल उठाता है शुरू में अप्रैल मई में, तो वो भी ख़त्म हो गया, अब जो लगा हुआ है तो ये बेमौसमी फल लगा हुआ है इसको। उसके बाद जी हमारे पास ये एक और बेल है, इसको बेल है हमारे पास डेकोरेशन के लिए, ये भी यूज़ होती है जी, ये नहीं ये फ्रेगनेंस भी है इसके, अच्छा, फ्लावर्स में फ्लावर्स भी होते हैं, होते हैं बिल्कुल, खुशबू आती है गुच्छे, और इसको जो है ना कौन सी बेल भला बोलते हैं, अभी नाम मुझे नहीं याद इसका यार, नाम नहीं याद, अगर आप डेकोरेशन करनी है तो घर या गेट के जो दीवार वगैरह साथ होती है उसको उसके साथ लगा लें, देखने में लुक का बेल, इसको झुमका बेल भी कहते हैं, लुक वगैरह काफ़ी अच्छी देती है, काफ़ी ज़्यादा लुक भी अच्छी है और इसकी खुशबू रात को बहुत ज़्यादा खुशबू। इसके बाद ये भी एक बेल है, ये भी पास जी एक और बेल है, ठीक है ना, ये भी फ्लावर्स की है, इसमें मैंने 2 कलर लिए थे लेकिन एक ही कलर निकला है, इसमें वैरायटी मुख्तलिफ है लेकिन कलर एक ही है, इसमें ये कलर निकला है और ये एक ये गुच्छों की सूरत में है, वो सिंगल सिंगल है। उसके बाद मेरे पास एक और बेल है, वही भी झुमका बेल है, वो भी ये यहाँ पे पड़ी है, ये झुमका बेल है, इसको अगर सारा दिया जो आगे ये सब सफर करती है, अभी क्योंकि गर्मी की शिद्दत है ये देख सकते हैं ग्रोथ रुक गई है। तो ये आपको मैं एक और पोनी टेल प्लांट मेरे पास जो कि काफ़ी जो है ना बकरियों की ठीक ठाक उतना जो है ना वो बर्दाश्त की है, उसके बाद भी इसको शिफ्ट कर दिया था लेकिन ये अभी ग्रोथ माशाल्लाह दोबारा इसने शुरू कर दी है, है अभी थोड़ी थोड़ी नज़र नहीं आ रही लेकिन ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, और ये इंशाल्लाह इसको पोनी टेल कहते हैं, ये इस तरह के ये देख सकते हैं आप, अगर मेरा कैमरा इंडोर भी है और आउटडोर भी है, ये दोबारा से उग रही है ये, तो अभी तो यही प्लांट्स हैं मेरे पास, इसके अलावा इंशाल्लाह
अभी मौसम है, फिर जब फूल लगेंगे तो आपको इसकी अपडेट साथ साथ देते रहेंगे। किसी भी प्लांट का कुछ कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो मैं दे सकता हूँ। किसी किस्म की कोई उसकी ग्रोथ का मसला हो, उसकी जो है ना खाद वगैरह का कोई इशू हो, या किसी किस्म का भी नाम किसी प्लांट्स का आपने पूछना तो वो मैं बता सकता हूँ। तो ये कुछ कैटेगरी थी पौधों वगैरह की। होप सो कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जैसे कि अभी भाई ने बताया तो कुछ और भी पौधे उसने उगाने कैटेगरी पर और बढ़ानी है, तो इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट करता रहूँगा आपको। और तो ये कि एक किस्म का शौक़ भी है, और शौक़ के लिए भी अगर कोई कारोबार वगैरह करना चाहे, जैसे जो पौधों का शौक़ होता है बेचने के लिए, वो भी कर सकता है। लेकिन इस महीने तो सारे ये तकरीबन ये पेंट करते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। तो जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाकर ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।